वसुधा कुछ दिनों के लिए अपनी ससुराल आई हुई थी और आज वह वापस जा रही थी। वह अपनी सास के कमरे में कुछ पूछने के लिए गई, तभी उसने देखा कि उसकी सास कोई चीज उसे देखते ही छिपा रही है। वसुधा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सासू माँ से दो चार बातें करने के बाद वापस चली गई। तो उसकी सास अहिल्या जी ने मिक्सर का डिब्बा बेड के नीचे से निकाला और फिर से मिक्सर फांकने लगी। अहिल्या जी अपने कमरे में खाने पीने का बहुत सारा सामान छुपा कर रखती थी और बाकी घर वालों और बच्चों से छिपा कर कुछ न कुछ दिन भर खाते ही रहती थी। घर में किसी को भी उनकी इस आदत के बारे में पता नहीं था, क्योंकि घर का खर्च वही संभालती थी, तो कब क्या लाकर वह अपने कमरे में रख लेती थी किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। वसुधा के सास ससुर देवर देवरानी के साथ गांव में रहते थे और वसुधा अपने पति मेहुल और बेटी वर्षा के साथ मुंबई में रहती थी। देवर गांव में खेती का काम करता था, लेकिन धीरे धीरे खेती से उसका मन उचटने लगा और वह भी शहर जाकर बसने के बारे में सोचने लगा। उसने अपने मम्मी पापा से इस बारे में बात की तो उन्होंने भी बेटे का मन देखते हुए उसे शहर जाने के लिए कह दिया, क्योंकि बड़ा बेटा भी शहर में रह रहा था और वह लोग नहीं चाहते थे कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई समझौता हो। कुछ ही दिनों में वसुधा का देवर भी अपनी पत्नी और बेटे के साथ दिल्ली चला गया, क्योंकि उसे वहाँ एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब वसुधा के सास ससुर गाँव में अकेले ही रह गए थे। मेहुल उन्हें बार बार अपने पास बुलाता था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जी रहे थे, तो बस शहर घूमकर वापस गांव चले जाते थे। इसी बीच एक दिन पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि वसुधा के ससुर जी का स्वर्गवास हो गया। अब उसकी सास गांव में अकेले कैसे रहती, मेहुल उन्हें अपने साथ लेकर आ गया। अहिल्या जी चूंकि खाने पीने की शौकीन थी और उन्हें स्वादिष्ट चीजें दूसरों के साथ बांटना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वह सोचती थी कि सारी चीजें मैं ही खा जाऊं। वैसे तो शुरुआत में जब उनके बेटे छोटे थे तो वह अपने बच्चों के साथ चीजें बांट लिया करती थी, लेकिन जब उनकी शादी हो गई और वह अपनी घर गृहस्थी में ध्यान लगाने लगे तो अहिल्या जी के मन में यह बात आ गई कि जब बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में ही सोचता है तो फिर मैं उन लोगों के बारे में क्यों सोचूं। अब मेहुल के पास आने के बाद मेहुल ने उन्हें हर महीने 2000 रुपये देना शुरू कर दिया था और उन रुपयों का उन्हें कोई हिसाब किताब भी नहीं देना था। तो वह बाजार जाकर खूब तीखी चटपटी चीज़ें खा लिया करती थी, फिर भी काफ़ी रुपए बच जाते थे, तो वह खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद कर ले आती थी। उन्हें लगता था कि कपड़े जेवर वगैरह खरीदूंगी तो मेरे मरने के बाद सब कुछ बहुएं बांट लेंगी, लेकिन खाने पीने की चीज़ ऐसी है जो मैं केवल अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसलिए वह अपने खाने पीने पर बेहिसाब खर्च करने लगी थी। अब घर में मेहुल जो भी फल मिठाई और खाने पीने का सामान लेकर आता था वह तो अहिल्या जी खाती ही थी, और ऊपर से वह अपने लिए अलग से भी सामान लाकर अपने कमरे में छुपा कर रख लेती थी। एक दिन वसुधा थकी हारी सब्जियों का थैला लेकर घर पहुंची। कड़कड़ाती ठंड के कारण उसकी उंगलियों में दर्द होने लगा था। उसे देखते ही उसकी सास सोफे के पीछे छिप गई। अहिल्या जी को सोफे के पीछे छिपते हुए देखकर वसुधा को बड़ी हैरानी हुई। वह सोच में पड़ गई कि उसकी सास उसे देखकर ऐसे क्यों छुप रही है। वह सब्जियों का थैला एक किनारे रखकर चुपचाप सास के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अहिल्या जी को लगा था कि बहू ने उन्हें देखा नहीं है। वसुधा ने धीरे से अपनी सास के कंधे को छुआ तो अहिल्या जी चौंक कर पीछे पलटी। पीछे पलटते ही उनके हाथों से चाय छलक कर गिर गई। वसुधा ये देखकर हैरान रह गई कि उसकी सास सोफे के पीछे छिप कर चाय और टोस्ट खा रही थी। वसुधा हैरानी से बोली, मम्मी जी आप ये चाय टोस्ट ऐसे चुरा कर क्यों खा रही है, सामने सोफे पर बैठ कर खाइए ना। अहिल्या जी गुस्से में बोली, अरे यह मैं मेरे बेटे की कमाई खा रही हूँ तो मैं सोफे के सामने बैठकर खाऊं या पीछे, इससे तुझे क्या मतलब है, मैं चुरा कर थोड़ी ना खा रही हूँ, ये टोस्ट मेरा है तो तू चाय के साथ मेरे टोस्ट खाने के लिए मत मांगना। वसुधा हौले से मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी मुझे ना तो सामने से और ना ही चोरी छिपे से चाय टोस्ट खाने की जरूरत है, क्योंकि एक तो ऐसे ही मैं चाय नहीं पीती हूँ और ऊपर से चाय टोस्ट तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाऊंगी, मुझे जीभ के स्वाद से बढ़कर अपनी सेहत प्यारी है, इसलिए मुझे तो ये सब चीज़ें खाना पसंद ही नहीं है। आप निश्चिंत होकर सामने सोफे पर बैठकर खाइए, चोरी छुपे खाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके टोस्ट में से एक टुकड़ा भी नहीं लूँगी। इतना कहकर वो रसोई में चली गई, लेकिन उसका मन बहुत दुखी हो गया था। भले ही उसे चाय टोस्ट पसंद नहीं था, लेकिन सास की छोटी सोच से वो बहुत हैरान हो रही थी। वह सोच रही थी, यदि मेरा मन करेगा तो मेरे ही घर में भला मुझे चाय टोस्ट खाने से कौन रोक सकता है। उसे पता ही नहीं था कि उसकी सास कुछ भी खाते पीते रहती थी तो बहू को नहीं दिखाती थी, ताकि बहू को ना देना पड़े। ऐसे ही चोरी छुपे खाते हुए अहिल्या जी भूल जाती थी कि घर का जो मुख्य भोजन है, जिसे वसुधा बड़े प्रेम से अपने हाथों से पकाती है, तेल मसाले का ध्यान रखकर पोषक तत्वों से भरपूर भोजन बनाती है, उसी खाने के दम पर आज वो स्वस्थ खड़ी है। लेकिन इस तरह छुपा छुपा कर खाने की आदत उन पर ही भारी पड़ने वाली थी, इस बात का उन्हें अंदाजा नहीं था। अब वसुधा अपनी तरफ से तो परिवार के सदस्यों की सेहत का ध्यान रखकर ही खाना पकाती थी और सब लोग स्वस्थ भी थे, लेकिन अहिल्या जी छिप छिपा कर कुछ भी अनहेल्दी कभी भी खा लिया करती थी, जिसके कारण धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा था और इस बात की उन्हें खबर ही नहीं थी।
अब बीच बीच में उन्हें चक्कर भी आते थे, तो उन्हें लगता था कि उन्हें भूख के कारण चक्कर आ रहे हैं, तो वह और भी मीठे बिस्किट या तले भुने चिप्स कुछ भी निकाल कर खा लेती थी। अब बेटा उन्हें हर महीने रुपये दे देता था तो वह खुले हाथों से जो मन करता था वह खरीद कर ले आती थी और अपने कमरे में छुपा छुपा कर रखती थी और आराम से खाती रहती थी। बस वह इस बात का ध्यान रखती थी कि उनका लाया हुआ सामान कहीं बहू न खा जाए, इसलिए वह सब कुछ चोरी से खाती थी। अब वह सामने खाती तो हो सकता है कि उनके बेटे बहू उन्हें समझाते भी, यह सब खाना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन चोरी छुपे खाने के कारण एक दिन उन्हें जोर से चक्कर आया और वह फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। अब तो उन्होंने किसी से यह बात बताई तो थी नहीं कि उन्हें चक्कर आते हैं, और ना ही किसी को पता था कि वो कितना फास्ट फूड खाती है। इसलिए मेहुल तुरंत ही घबरा गया। वो अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचा। उसे बहुत हैरानी हो रही थी कि उसकी माँ को अचानक से क्या हो गया। डॉक्टर के पास जाने पर जब उनकी जांच हुई तो पता चला कि उनका कोलेस्ट्रॉल, बीपी और शुगर सब कुछ बढ़ा हुआ था। वसुधा तो हैरान ही रह गई। वह कहने लगी कि डॉक्टर साहब, खाना तो घर पर मैं ही बनाती हूँ और मैं संतुलित भोजन ही बनाने का प्रयास करती हूँ, फिर मम्मी जी इतना ज़्यादा बीमार कैसे पड़ गई। अब अहिल्या जी नजरें चुराने लगी। मेहुल ने अपनी माँ से कहा, माँ कहीं तुम कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाती हो। तभी वसुधा को याद आया तो उसने मेहुल के कान में कहा कि एक दिन मैंने मम्मी जी को चोरी छिपे चाय टोस्ट खाते हुए देखा था, हो सकता है कि यह कुछ और भी खाती होंगी। मेहुल उस वक्त तो चुप रह गया। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और परहेज के साथ साथ उन्हें थोड़ा टहलने के लिए भी कहा। आज जीभ के चक्कर में अहिल्या जी को इतनी सारी बीमारियों ने घेर लिया था, ऊपर से छिपा कर खाने की आदत के कारण कोई समय रहते उन्हें सतर्क भी नहीं कर पाया। मेहुल ने घर आते ही सबसे पहले माँ के कमरे की तलाशी ली तो माँ के कमरे से ढेर सारे चिप्स के पैकेट, टोस्ट, मीठे बिस्किट, मिठाइयाँ, नमकीन, बहुत सारे फास्ट फूड रखे हुए थे। यह देखकर मेहुल नाराज हो गया और कहने लगा, माँ मैं तुम्हें रुपए इसलिए नहीं देता था कि तुम यह सब बेकार की चीज़ें खाकर बीमार पड़ जाओ। मैं तो तुम्हें रुपए इसलिए देता था ताकि बुढ़ापे में भी तुम्हें ऐसा न लगे कि तुम दूसरों की मोहताज हो, तुम अपनी ज़रूरत के सामान खुद खरीद सको। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे दिए रुपयों का ऐसा गलत इस्तेमाल करोगी। अरे रुपए मेरे थे लेकिन पेट तो तुम्हारा था और स्वास्थ्य भी तुम्हारा ही था, लेकिन फिर भी तुमने अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचा। इतना कहकर वह झुंझलाते हुए कमरे से बाहर चला गया। वसुधा भी रात के भोजन की तैयारी करने के लिए चली गई और वह परहेज के अनुसार भोजन बनाने लगी। इधर अहिल्या जी अब बेटे बहू से नजरें नहीं मिला पा रही थी क्योंकि आज उनकी चोरी पकड़ी गई थी। वह खुद को बहुत चालाक समझ रही थी कि मैं बेटे बहू से छुपा कर इतना कुछ खा जाती हूँ और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है और ना ही किसी को कुछ देना पड़ता है। लेकिन आज उनकी यही चालाकी उन्हें ले डूबी थी। वो समझ गई थी कि कोई चाहे कितनी भी चालाकी से छिप छिपा कर कुछ भी खा ले, लेकिन रोग तो उभर कर बाहर आ ही जाते हैं, वो नहीं छिपते। यदि वह संतुलित भोजन करती तो शायद जिंदगी भर अपने मनपसंद चीज़ों का थोड़ा थोड़ा स्वाद ले सकती थी। लेकिन अब तो हालात यह हो गए थे कि उन्हें घर के बने खाने में भी बहुत सारा परहेज करना था। दोस्तों, कुछ लोग ज़्यादा रुपए मिलते ही ऐसा सोचने लगते हैं कि वह कुछ भी खाएंगे पिएंगे, क्योंकि उनके पास रुपयों की कमी थोड़ी ना है। लेकिन उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि सिर्फ रुपए होने से कुछ नहीं होता है, बल्कि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं और उसका क्या परिणाम निकल सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।